वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि साल 2021 की 2 अप्रैल को फिल्म सूर्यवंशी के लिए एक बम्पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होने जा रही है। फिल्म के निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी और अन्य और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच अधिकांश समस्याएं अब हल हो गई हैं। उत्पादकों ने भारत और दुनिया भर में अभूतपूर्व संख्या में प्रिंट, लगभग 2000 की संख्या को उजागर करने की योजना बनाई है। अक्षय कुमार स्टार सूर्यवंशी, जिसमें कैटरीना कैफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह भी हैं, जो बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्मों में से एक है। दरअसल खबर आ रही है कि सूर्यवंशी के लिए प्रत्याशा अविश्वसनीय है। उत्तर भारत की फिल्म जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सिनेमा घरों में तभी लौटेगी जब उन्हें वापसी के लायक कुछ दिया जाएगा। यह सूर्यवंशी है और अभी कुछ भी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि निर्माता सिनेमा घरों को प्रिंट्स से जोड़ने का इरादा रखते हैं। यह संख्या इतनी अधिक है कि फिल्म की जनता के एक साल के अभाव को समाप्त कर दिया जाएगा। खैर, आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।